हेलो फ्रेंड्स, यह है किचन की गहराई 6 फीट और यह है इसकी चौड़ाई 6.5 फीट की। आप इस इतने बड़े एरिया में इस तरह की मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। और ये ऊपर के कबड़ हैं 2 फीट के, और ऊपर ये लाइटिंग कटिंग हो रही है और दो तरह की सरमाया का दे रखी है इसमें कॉम्बिनेशन में। आप इसमें सेल्फ भी लगाना चाहो तो 2 पार्टीशन हो सकते हैं सेल्फ लगा के। और ये कॉर्नर के पल्ले हैं, और आप अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो 2 सरमाइका का तो उसमें वाइट सबसे पहला ऑप्शन वाइट बेस्ट रहता है, और दूसरा ऑप्शन आप कोई सा भी ले सकते हो। और ये चिमनी के ऊपर का बक्सा है जिसमें चिमनी की पाइप आ जाती है, और इसमें कोई सामान आप रख नहीं सकते लेकिन पाइप की वजह से। और ये साइड में पल्ला दे रखा है 2 पार्टीशन के साथ, और ये चिमनी के ऊपर का पल्ला अगर रिपेयर वगैरह होती है तो आप इस तरीके से कुंदे के साथ इसे लगा सकते हो ताकि रुक जाए पल्ला। और ये कॉर्नर के पल्ले हैं, इसमें भी सेल्फ लगा हुआ है। आप इसने कॉर्नर के वैसे पल्ले नहीं लगा सकते क्योंकि जगह इसकी छोटी है, इसलिए इसमें इस तरीके के पल्ले ही लगते हैं। और ये 2 पार्टीशन लगे हुए हैं इसमें भी, और ये बर्तनों के लिए। और इसके नीचे की तरफ फट्टा नहीं लगा होता क्योंकि बर्तनों के में से पानी निकलता है तो नीचे से निकल जाता है। और ये सिंक के नीचे का, और इसमें ये डस्टबिन दे रखा है, डस्टबिन आ जाता है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है स्टील का। और ये चैनल लगी हुई है 4 इंची की, और ये 6 इंची की चैनल है जिन्होंने आप अपने प्लेटें कटोरी वगैरह ये सब आइटम रख सकते हो। और ये इसका कॉर्नर का, इसमें भी सेल्फ दे रखा है। अगर चाहो तो आप इसमें क्लाउजर भी लगा सकते हो, लेकिन आप इतनी महंगी ना बना के सस्ते में आप इस तरीके से कॉर्नर का पल्ला लगा सकते हो। और ये बास्केट है, और ये हमारी आटे की बास्केट है जो बड़ी बास्केट होती है जिसमें आप अपने आटे का कनस्तर वगैरह रख सकते हो। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप अपनी मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं छोटे खानों में। और ये लाइट लगी हुई है।